हेलो एवरीवन, मैं बिलाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में, और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया, वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे इन टॉपिक से। तो पहले चैप्टर की बात करें हिस्ट्री के, ईट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो ज़्यादा टॉपिक में पढ़ना है, जिस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वह हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी सर्वप्रथम खोज किसने की, इसके स्थापत्य के बारे में है ना। इस वजह से इसके अलावा नगर नियोजन प्रणाली, इसके सड़क निर्माण और नगर निर्माण प्रणाली से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। विशाल स्नानागर कहाँ मिला था, अन्नागर कहाँ मिला, ये क्वेश्चन देखना दोस्तों। इसके अलावा मूर्ति कला, मृदभांड और स्वधान दफनाने का तरीका, और मोहन जोदड़ों की विशेषताएं, इसी की विशेषता मतलब यह उछला शहर और निचले शहर में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, मैं वो सारे टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको पढ़ना है। जो टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैंने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये आप कर लेंगे तो सफिशियंट है और आप आराम से 90 से 95% नंबर ला सकते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा आपको बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा दयाराम साहनी के बारे में है ना, रखलदास बनर्जी, कनिघम, जॉन मार्शल और हड़प्पा के प्रमुख स्थल जैसे कालीबंगा, लोथल, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। मैप में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर वन के ये टॉपिक आपको करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट है चैप्टर नंबर टू, राजा किसान और नगर। तो राजा किसान और नगर से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी लेनी है, 16 महाजनपद से प्रश्न करना है। इसके बाद पी दसी और प्रिंसेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आहा सिक्के यानी सर्वप्रथम मुद्रा के चलाए गए किस रूप में चलाया गया, ठीक है, मुद्रा संस्कृति के बारे में, मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत, इंडिका, अर्थशास्त्र, बौद्ध और जैन ग्रंथ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अवध एक शक्तिशाली साम्राज्य, जी हाँ, इसकी विशेषता और अवध एक शक्तिशाली साम्राज्य को, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये आपको टॉपिक करना ही करना, ठीक है ना। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की विशेषताएँ, ये इसके शासन के बारे में और सैनिकों के बारे में, तो ये वो टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ा, 100% यहाँ से एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए चैप्टर नंबर थर्ड देखते हैं, बंधुत्व जाति वर्ग से। इसमें आपको महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण और महाभारत से 8 नंबर के प्रश्न पक्का है, तो इसको पढ़ना ना भूलें। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जी हाँ, और ऋग्वेदिक काल में इसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा विवाह के नियम है ना, चाहे बहरी विवाह और अंतर विवाह से भी प्रश्न पूछा जाता है। पितृवांशिकता और मातृवांशिकता एक प्रश्न पक्का है। गोत्र तो आपको करना ही करना, और वैदिक परंपरा। तो ये दोस्तों वो टॉपिक है ना जो मैंने बिल्कुल अंदर से, या कह सकते हैं आपके बिल्कुल निचोड़ आप चैप्टर के, यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन इन टॉपिक को जरूर पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर फोर्स की देखें, चैप्टर नंबर फोर में पढ़ना है कि आपको बौद्ध और जैन धर्म, जी हाँ, बौद्ध धर्म की विशेषताएँ, जैन धर्म की विशेषताएँ से प्रश्न पूछेगा। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग या धम्म से भी प्रश्न पूछने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर महावीर तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे और 24वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, और तीर्थंकर किसे कहा जाता है, ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। अमरावती और सांची के स्तूप, जी हाँ, अमरावती और सांची के स्तूप से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। महायान और हीनयान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी महायान और हीनयान से आपके प्रश्न पूछने की संभावना है। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा। स्तूप और टीले मंत्र क्या, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर फोर के जो टॉपिक है दोस्तों आपको करने ही करने। चलिए चैप्टर नंबर सिक्स की बात करें, क्योंकि पांचवा और छठा काट दिया गया, पांचवा काट दिया गया, छठा आ रहा है। तो चैप्टर नंबर सिक्स में भक्ति सूफी परंपराएँ, भक्ति परंपरा से अगर हम बात करें तो भक्ति से गुरु नानक, कबीरदास और मीराबाई से एक प्रश्न 100% आएगा दोस्तों। इसके अलावा एक केसरवाद और बहुसरवाद क्या, यहाँ से प्रश्न पूछे पूरी पूरी संभावना है। मीराबाई और गुरु नानक कबीरदास को आपको पूरा पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन 8 नंबर में पूछेगा ही दोस्तों। शेख चिश्ती यानी चिश्ती सिलसिला से प्रश्न पूछेगा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर, इसी प्रकार से चिश्ती सिलसिले की विशेषताएँ जैसे खानकाह क्या होता है, ठीक है, खानकाह से प्रश्न पूछा जा सकता है। खानकाह के अलावा अगर हम प्रश्न की बात करें तो बादशरिया और बेसरिया से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो आपको करना ही करना है, इसको भूलना नहीं है। वो क्योंकि मैंने चैप्टर को पूरी तरीके शॉर्ट फॉर्म में बता दिया आपको, यहीं से ही प्रश्न बनेगा, ये टॉपिक अब आपको हर हाल में क्लियर करना है। और यहाँ ये सारे टॉपिक कर लेने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 90 से 95% हिस्ट्री में कहीं नहीं गए, इससे ज़्यादा ही आ सकते हैं आपके।
इसके अलावा बात करें एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, विजयनगर से एक 8 नंबर क्वेश्चन बनेगा बनेगा। हम्पी की खोज किसने की सर्वप्रथम, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का यानी हरिहर और बुक्का से प्रश्न बनेगा बनेगा। राजा कृष्णदेव राय से प्रश्न बनेगा कि वंश किस वंश से संबंधित है, उनका शासनकाल की विशेषता और उसकी विशेषता से पूछा जा सकता है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की विशेषता भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बनेगा बनेगा। नायक और अमर नायक प्रणाली से, क्योंकि लगातार प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से बनेगा बनेगा प्रश्न। महानवी डिब्बा, विरूपाक्ष मंदिर और लोटस, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना पक्का है दोस्तों। इसके अलावा कर्नल मैकेंजी के बारे में हमको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 मुगल शासक और इतिहास के बारे में बात करें। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना यानी बाबर के, बाबर से लेकर अकबर तक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। इसके अलावा अकबरनामा, बाबरनामा से प्रश्न पूछना तय है। इसके अलावा एक चैप्टर यहाँ पर है गुलबदन बेगम, जी हाँ गुलबदन बेगम से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है बोर्ड एग्जाम 2021 में जो जून में होने वाले हैं। आदर्श राज की स्थिति प्रश्न पूछ सकता है। सुलह कुल क्या है, या आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी की विशेषता यानी राजधानी नगर की विशेषताएँ बताइए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर, अकबर के शासनकाल, अकबर के जजिया कर की समाप्ति, सुलह कुल की नीति और अबू फजल, तो ये दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हर हाल में करने हैं और काफ़ी आसान टॉपिक भी हैं ये। चैप्टर नंबर 10 से बात करें तो उपनिवेशवाद यानी सर्वप्रथम उपनिवेशवाद की स्थापना कहाँ होती है, बंगाल, यहाँ से प्रश्न पूछना ही पूछा जाएगा दोस्तों। इस चैप्टर से एक 8 नंबर का प्रश्न पक्का है, ठीक है 8 नंबर से। इसके अलावा 5वीं रिपोर्ट, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूरी पूरी बनने की संभावना है। राजमहल की पहाड़ियाँ, संथाल, इस्तेमाली बंदोबस्त, कुदाल और हल का प्रयोग यानी कुदाल से भी प्रश्न पूछा गया और पूछा जाएगा। जोतदार और जमींदार में अंतर, या जोतदार की स्थिति और जमींदार की स्थिति भी प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रैतवाड़ी बंदोबस्त और दमीन एकोह से भी प्रश्न बनेगा ही बनेगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 की बात करें, विद्रोही और राज, 1857 के विद्रोह से प्रश्न आएगा आएगा, चाहे उसके राजनीतिक कारण पूछे, आर्थिक कारण पूछे, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अवध का विलय यानी अवध से क्वेश्चन एक निश्चित है, 1 नंबर से भी पूछ सकता है अवध के शासक से, ठीक है। विद्रोही का तत्कालीन यानी 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण, इसके अलावा प्रश्न ये पूछ सकता है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था या एक क्रांति विद्रोह था। एनफील्ड राइफल का प्रयोग, सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड वेलेजली की नीति, और विद्रोही नेता कौन कौन से थे 1857 के, चाहे वो झांसी की रानी हो, तात्या टोपे हो, नाना साहेब हो, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ से एक टॉपिक बनता है कि विद्रोही ने आपस में एकता दिखाने के लिए किस प्रकार के प्रयत्न किया और 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये क्वेश्चन पूरा पूरा गारंटी से पूछा जाएगा यहाँ से। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 में आपको गांधी, जी हाँ गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान 100% पूछेगा, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह, चाहे वो चंपारण हो, चंपारण से लेकर खेड़ा और अहमदाबाद किसान आंदोलन, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन ये है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दोनों क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न बनेगा, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में। इसके अलावा यहाँ से पैसेज और पैराग्राफ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रोलट सत्याग्रह, रोलट एक्ट क्या है, दांडी यात्रा, तो रोलट एक्ट और दांडी यात्रा में से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, यानी इस चैप्टर से भी 8 नंबर के प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। चैप्टर नंबर 15 और लास्ट चैप्टर है संविधान के निर्माण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से संविधान सभा गठन, यहाँ से 100% का प्रश्न आने वाला है और यहाँ से एक 6 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। वो प्रश्न क्या है, भाषा को लेकर, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे, और हिंदी को महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा हिंदी को, या कह सकते हैं हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाया जाना चाहिए था, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो पृथक निर्वाचन क्या है और भारत के विभाजन के बाद की स्थिति और संविधान निर्माण के प्रमुख जो सदस्य थे, ये यहाँ से आपको पूरा टॉपिक क्लियर करना है। तो दोस्तों ये जितने मैंने टॉपिक आपको समझा दिए बता दिए हैं, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। अगर आपने एक बार ये पूरे की पूरी टॉपिक को सही प्रकार से, पूरे के पूरे टॉपिक को सही प्रकार से क्लियर कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 95% कहीं नहीं गए। तो दोस्तों आई होप दोस्तों मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर पाया हूँ, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।